और यहाँ स्कूल में आने के बाद हमने फोटो वगैरह भी लिए, तो राहुल राहुल ने भी यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाई। तो भाई तेरी शॉर्ट वीडियो बन गई? बंदे है बस, अभी एक और शॉर्ट वीडियो बनानी है इसे। 7:30 बजे के करीब घंटी लग जाती थी, तीसरी घंटी। तो कभी कभार हाँ, जैसे प्रार्थना होगी उसके बाद पहुंचा करते थे, तो काफ़ी सारी डांट, काफ़ी सारी मार यहाँ पे पड़ती थी स्कूल में। तो हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सौरभ, सौरभ बिस्ट ब्लॉग और देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ की हसीन सी वादियों में आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ बिस्ट ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4:30 के करीब हो रही है, और इस समय मेरे साथ राहुल है और अमित है, वो देखो वहाँ पे मोबाइल पर लगा हुआ है, तो थोड़ा व्यस्त है, उसको बाद में निकालेंगे वीडियो में। और हम जा रहे हैं इस समय गुफड़ गांव स्कूल है वहाँ पे, इंटर कॉलेज स्कूल, जिस स्कूल से सभी लोगों ने पढ़ाई की है, तो इंटर कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं ऊपर साइड के लिए। और आपको यहाँ का शाम के समय का व्यू दिखाता हूँ, कैसा यहाँ का नज़ारा है। और ये सामने पर ये गांव जो इस धार पे देख रहे होंगे आप सामने पर इसी पहाड़ की चोटी पर, तो ये घंडियाल का गांव हो गया। और यहाँ पे नीचे पर ये जुगरा साइड पे, तो ये क्यार के गांव हो गया। और यहाँ देखिए आपको काफ़ी वो नज़दीक से मैं इसको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जा रहे हैं हम ऊपर साइड के लिए, और ये वाला जो रास्ता है ये रोड का रास्ता है, और इस रोड वाले रास्ते से होकर हम लोग ऊपर साइड के लिए जा रहे हैं। जब पहले के स्कूल जब हम लोग इस रास्ते से जा रहे करते थे, तब यहाँ पर रोड वगैरह नहीं हुआ करती थी, और अब यहाँ पर रोड वगैरह हो गई है, तब रोड वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो ये आप मेरे सामने पर ये देख रही होंगे ऊपर साइड पे, तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई, यहाँ से रास्ता है स्कूल जाने का ऊपर साइड के लिए। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी उस समय ऊपर जाने के लिए, सुबह सुबह का समय स्कूल जाने का, और इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के लिए। और यहाँ पर ये रहा अभी आगे साइड पर, तो रोड साइड से जा रहे हैं हम आगे साइड के लिए, तो यहाँ से ऊपर साइड के लिए चलेंगे, ऊपर साइड के लिए। और यहाँ से खड़ी चढ़ाई हम लोग ऊपर साइड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रोड का जो साइड का किनारा है तो वो टूट रखा है, तो ऊपर जाने के लिए वहाँ से रास्ता नहीं है, नहीं तो हम यहाँ से खड़ी चढ़ाई ऊपर साइड के लिए जा सकते थे, बट वहाँ से रास्ता टूटा हुआ है, तो इसलिए हमें रोड साइड से ही होके जाना पड़ेगा। और रोड साइड से घूम के जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे नीचे पे बोर्ड मिला हमें, तो उस पर 4 किलोमीटर लिखा हुआ है गुफड़ गाँव यहाँ से हमारे गाँव से ऊपर, तो 4 किलोमीटर रहने वाला है, तो देखते हैं या 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा, कितने देर में पहुंच सकते हैं हम। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चलें इस वाले रास्ते से, और क्योंकि ये सीधा रास्ता है रोड वाला, तो इससे जल्दी पहुंच जाएंगे हम। पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर गुफड़ गांव के स्कूल में, और ये यहाँ पर हम पहुंच गए गुफड़ गांव के स्कूल में पहुंच गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्कूल, मेरे ये बैक साइड देख सकते हैं आप, ये है स्कूल, और काफ़ी यहाँ पे चेंजेस हो गया, जब हम यहाँ पे बढ़ते थे तो इतने चेंजेस हुए नहीं थे, बड़ा काफ़ी सारे यहाँ पे। तो ये रास्ता है, पहले दूसरी साइड से था रास्ता, अब यहाँ से हो गया है, तो ये देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, पहले ये वाला यहाँ पर नहीं था, तो ये वाला नया बना रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे ये मंदिर और ये प्रतीक्षालय, और ये प्रतीक्षालय तो बहुत पुराना है, सामने वाला प्रतीक्षालय, ये मंदिर भी पुराना है, पर ये वाला नया बना हुआ है। और काफ़ी ये वाला फील्ड, इस वाले फील्ड में क्रिकेट ज़्यादातर खेला करते थे उस समय, और तब रोड साइड भी नहीं हुआ करती थी, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो काफ़ी और इस स्कूल से काफ़ी सारी यादें हैं, और वो यादें आज आके यहाँ पे ताज़ा होगी, कम से कम 5 साल बाद मैं यहाँ पे इस स्कूल में आ रहा हूँ देखने के लिए, तो काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस हो रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ करता था, तो ये यहाँ पे बन गया,
तो काफ़ी सारे चेंजेस थे यहाँ पर, रोड नहीं थी उस समय, काफ़ी चढ़ाई से आना पड़ता था ऊपर साइड के लिए, बट अब रोड वगैरह भी आ गए तो बच्चों को आने जाने में दिक्कतें नहीं होती हैं। कभी कभार तो वो टीचर की गाड़ियों में ही चले जाते हैं घर के लिए और आना जाना उन्हीं में हो जाता है। तो पहले तो ऐसा था कि खड़ी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई से होकर हुए आना पड़ता था। ज़्यादा मुश्किलें तब आती थी जब सुबह की स्कूल हुआ करती थी और तब जाके टाइम पर पहुँचना पड़ता था, तो 7:30 बजे से पहले नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि 7:30 बजे के करीब घंटी लग जाती थी, तीसरी घंटी। तो कभी कभार हाँ जैसे प्रार्थना होगी उसके बाद पहुंचा करते थे, तो काफ़ी सारी डांट काफ़ी सारी मार यहाँ पे पड़ती थी स्कूल में, तो काफ़ी सारी यादें रहती हैं। तो सामने पे गुफड़ गांव है और ये सामने पे ये देख सकते हैं, ये रहा गुफड़ गांव, तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा गांव ये गुफड़ गांव है। तो यहाँ पे गुफड़ गांव के नज़दीक ही पे स्कूल थोड़ा सा सामने ही पे है गुफड़ गांव के, तो ये कह सकते हैं कि गुफड़ गांव की स्कूल ज़्यादातर कह सकते हैं इसे, तो ये नहीं कि स्कूल है। और ये हुआ घनेल का गांव सामने पे, और यही नीचे ये क्यारकी गांव हुआ और हमारा गांव। तो इस स्कूल में पढ़ने के लिए चार गांव से लोग आते हैं, चार गांव से आते हैं, जैसे क्यारकी हो गया, घनेल का हो गया, गुफड़ हो गया और खैरी गांव के हो गए, और भुनका थापला के लोग भी आते थे बच्चे उस समय यहां पे पढ़ने के लिए। तो काफ़ी मतलब ऐसा था कि कम आया करते थे उस साइड के लोग, ज़्यादातर कह सकते हैं 5 से 10 ऐसे आया करते थे, बाकी सारे जैसे खैरी गाँव, क्यारकी, घनेल का, गुफड़ गाँव के, तो सारे इसी वाले स्कूल में आया करते थे पढ़ने के लिए। तो अब जा रहा हूँ मैं ऊपर साइड, आपको दिखाता हूँ यहाँ का फील्ड कैसा है और कैसे यहाँ का नज़ारा है। काफ़ी सारी घास हो रखी है देखिए फील्ड में, और ये स्कूल स्कूल जब हमारे समय से ऐसी थी सेम, वो चेंजेस कुछ भी नहीं हुए हैं यहाँ, वो नीचे साइड वाले स्कूल में चेंजेस हुए हैं बट ऊपर साइड कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा ही है। प्रार्थना वगैरह इसी वाले फील्ड में हुआ करती थी और अभी भी इसी वाले फील्ड में हुआ करती है। तो ये सारी यहाँ पे क्लासें लगती हैं और देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा, और यहाँ पर काफी सारे फूल हो रखे हैं देख सकते हैं स्कूल में। मैं बीच में वो बना रखा है रिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे ये बीच में जो दो डंडे गाड़ रखे हैं तो ये उसके लिए हैं, तो यहाँ पे शायद फुटबॉल या वॉलीबॉल वगैरह भी खेला जाता होगा, तो इसलिए ये वाली हमारे टाइम पे तो नहीं थी बट अभी ये लगी होगी नए समय। ये तो काफ़ी बिजी चल रहे हैं वीडियो कॉल पर और काफ़ी समय से ये बिजी हैं, तो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। राहुल, तू ये स्कूल में आके कैसे लगा यहाँ पे? बहुत पुरानी याद आ गई यार, तो काफी उल्टे काम के मेज मूज तोड़ा तो काफी सारी यादें की बहुत याद आती यार, बहुत मार खाए थे गुरुजी के। हाँ, सभी टीचर लोगों का यहाँ से ट्रांसफर हो गया जो पुराने टीचर थे, तो अब यहाँ पे सारे नए टीचर लोग आ रखे हैं, तो ये जो हमारे टाइम पे थे वो सारे टीचर यहाँ से उन लोगों का ट्रांसफर वगैरह हो गया, तो काफ़ी सारे यहाँ पे यादें हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जो बचपन के वो थे खेल जो थे वो खेल यहाँ पे बहुत सारे खेले थे यहाँ पे। मंदिर यहाँ स्कूल से हम लोग घर जाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी समय होने वाला है और घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे कि इतना टाइम हो गया अभी तक घर नहीं आए, तो शाम के समय है तो जल्दी जल्दी आप यहाँ से घर चलते हैं। और काफ़ी सारी यहाँ पे यादें हैं ताज़ा, और जब भी हाफ टाइम होती थी तो हम इसी यहाँ पे इस वाले प्रतीक्षालय में आते थे और यहाँ पे बैठा करते थे, और खाना वगैरह टिफिन वगैरह जो भी घर से हम लेके आया करते थे तो वो टिफिन वगैरह भी यहीं पे बांट के शेयर वगैरह किया करते थे, तो जैसे टिफिन वगैरह घर से लेके आया करते तो हम लोग यहीं पे खाना खाया करते थे बैठ के हाफ टाइम में।
तो काफ़ी सारी यादें, और काफ़ी मेरे स्कूल के दोस्त लोग ये वाली वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी सारे उनको भी उनकी यादें ताज़ा हो रही होंगी कि भाई हाँ चलो कोई तो गया वहाँ स्कूल में देखने के लिए कैसे यहाँ का वो अभी यह नज़ारा है। और काफ़ी सारी यादें और काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो गया और पहले इतना चेंज नहीं था। और उस साइड से हम जो आए थे वो रोड वाला साइड वाला रास्ता था जिस समय हम ऊपर साइड के लिए आए थे। अब घर जा रहे हैं तो ये जो पैदल वाला रास्ता है नीचे साइड के लिए, तो पहले ये वाला रास्ता चलता था जब रोड वगैरह नहीं आई थी। 4 से 5 साल पहले इसी वाले रास्ते को हम लोग यूज़ किया करते थे। अब जाके रोड साइड से टीचर लोग भी वहीं से आते हैं, पहले इसी वाले रास्ते से होकर आया करते थे पैदल। तो खड़ी चढ़ाई थी और आने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, काफ़ी जगहों पर ऊपर आते समय बैठना भी पड़ता था, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता था 3 से 4 मिनट का, और फिर उसके बाद चले जाते थे। फिर आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल लाइक टारगेट है 10,000 के बस ज़्यादा नहीं बोलते यार, इतना तो हो सकता है। गढ़वाली को यार सपोर्ट करो यार कोई ना कोई। तो भाई ने कह दिया, वो देखते हो वीडियो देखते करो भाई, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक लाइक करोगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलता है। अब वीडियो में नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको नई नई वीडियो और नए ब्लॉग जो भी है नए लोकेशन दिखाएंगे वो। और आप जो वीडियो में कमेंट जरूर करें, जितने भी आप वीडियो को देखते हैं कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़ता रहता हूं मैं। जो भी लाइक 10K लाइक और कमेंट, और कमेंट तो लिख दो उत्तराखंड देवभूमि। कितने बंदे हैं, जितने बंदे होंगे वो सिर्फ हैशटैग कर दो देवभूमि तो काफ़ी वो रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर करें वीडियो में, कमेंट करना आप ये समझ सकते हैं वीडियो आपको जैसी भी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपकी वीडियो में यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी। टेक केयर, तो अब मिलेंगे नई वीडियो में, नई लोकेशन पे, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, और जय देवभूमि।